हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरप्लानर। आज आम नवम श्रेणी विज्ञान रो एक नमूना प्रश्नपत्र को आलोचना करवा जहाँकि तुम फॉर्मेटिव असेसमेंट वन पे बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो यही प्रश्न गुड़िक केवल फॉर्मेटिव असेसमेंट वन नाई, तुम जो थर्ड वीक ऑफ नवंबर होगा समेटिव असेसमेंट वन एवं अप्रैल मंथ होगा समेटिव असेसमेंट टू, ये सब एग्जाम यहाँ गुरुत्वपूर्ण अटे। तो कहीं मत वीडियो को न स्किप कर आरंभ लास्ट पर्यंत आम समस्त मिसिक देखा और समस्त भल मार्क आने। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने आम चैनल पर न्यू विजिटर होती सेने यथाशीघ्र चैनल को सब्सक्राइब कर, पाखे जो बेल आइकन अच्छी दबाई दियो, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर। ओके, जहाद्वारा कौन हाँ ना जितेबाला भी किसी वीडियो अपलोड हम आम चैनल यह नोटिफिकेशन तुम्हें पापर। ओके पे तो चलो क्लास स्टार्ट करवा। देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट वन ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न चार फुल मार्क 20। देखो प्रश्न नंबर 1, एकाधिक वर्गर समाहार कौन गठित हुए। एकाधिक वर्ग जो मानने मिसंती से आम कौन कह उपवर्ग कह ना श्रेणी कह ना पर्व पकड़ा ना वंश कह तो कौटा कह पाने क्वेश्चन नंबर 1, एकाधिक वर्गर समाहार कौन गठित हुए। पे प्रश्नर सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन बी श्रेणी, आम श्रेणी बोली कह। ओके नेक्स्ट प्रश्न, क्यों उद्भिदर कांड छोटो किंतु पत्र मूल थाए। बुझिपना उद्भिदर कांड सिना छोटो किंतु तार पत्र मूल थाए एवं पत्र पछपटे स्पोर मध्य थाए। ऑप्शन ए मार्सेलिया, ऑप्शन बी मॉस, ऑप्शन सी मार्कांसिया, ऑप्शन डी कारा। तो कौटा हाँ पे सठिक उत्तर शीघ्र शीघ्र कमेंट कर। जो मैंने कमेंट कर समस्त कमेंट को पढ़ु पे तो कई मध्य हेजिटेट न करी कमेंट कर। सबुदिन पे बहुत गुड़े पिला लाइफ आस किंतु बहुत अल्प पिला एका कमेंट करा जमा ठीक नुह, तुमको आसू कि न आसू किंतु कमेंट कर। कौटा हाँ पे राइट आंसर पे राइट आंसर हो ऑप्शन ए मार्सेलिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफालो कड़ाटा जीव मान आकार प्राय केते सेमी। सेफालो कड़ाटा जीव मान एक रु 2 सेमी, 2 रु 3 सेमी, 3 रु 4 सेमी, 5 रु 7 सेमी। कौड़ा पे ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी। कौड़ा पे राइट आंसर पे राइट आंसर हूँ ऑप्शन डी 5 रु 7 सेमी। तो सेफालो कड़ाटा जीव मान आकार प्राय 5 सेमी रु 7 सेमी। ओके नेक्स्ट प्रश्न, क्यों मानक शरीर बाह्य आवरण क्यों मानक शरीर बाह्य आवरण काइटिन नामक एक जैविक पदार्थ द्वारा गठित। मोलुस्का, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, कड़ाटा। तो क्यों मानक शरीर बाह्य आवरण काइटिन नामक एक जैविक पदार्थ द्वारा गठित। कौटा हाँ पे राइट आंसर कौटा हाँ पे यार सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा। ओके नेक्स्ट प्रश्न, एक माइक्रोमीटर डेस मीटर बा एक माइक्रोमीटर केते मीटर हबो। 10^-5 मीटर, 10^-4 मीटर, 10^-7 मीटर, 10^-6 मीटर। कौटा हम राइट आंसर एक माइक्रोमीटर पे मन रख एक माइक्रोमीटर इक्वल टू 10^-6 मीटर अत ऑप्शन डी हम यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किए एक बृहत्काय उद्भिद आ भितर किए बृहत्काय उद्भिद अटे। पाइन जातीय गछ ना साइकास जातीय गछ ना रेडवुड जातीय गछ ना बर जातीय गछ। तो कौ गछ बृहत्काय अटे बहुत सरल प्रश्न पे माने यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी रेडवुड। तो रेडवुड हूँ हाइट रे सबुठ बड़ गछ। नेक्स्ट, अश्वथत गछर जाति कौन अटे। अश्वथत गछ फाइकस, रिलीजियोसा, बेंगालेंसिस, कारिका। ता भितर कौ जाति रे बिलोंग करछ अश्वथत गछ। पे राइट आंसर हूँ ऑप्शन बी रिलीजियोसा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, किए एक नग्नबीजी उद्भिदर उदाहरण अटे। नग्नबीजी धान, पियाज, लाऊ, पाइन आ भितर किए नग्नबीजी अटे। पे राइट आंसर हूँ ऑप्शन डी पाइन। पाइन हूँ एक नग्नबीजी उद्भिदर उदाहरण। नेक्स्ट, आ बाकी जाक आवृत बीजी कहार रेचन आदिवृक्ष द्वारा होता है। मशार ना मछर
ना अस्वरपर ना जोकर तो कहार रेचन आदि ब्रुकक द्वारा होता है पिला राइट आंसर हो ऑप्शन डी जोकर। नेक्स्ट मनुष्य पे मैंने ब्रुकक अच्छी एनिलीटर कौन अच्छी गाली चर्म आदि ब्रुकक सीटा कौट हम राइट आंसर पिले राइट आंसर हूँ एनिलीटा आदि ब्रुकक द्वारा शस्क्रिया करता है। नेक्स्ट प्रश्न मुलुस्का कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा तैयारी आर्थ्रोपोडा पॉलीप श्रृंगिका काइटिन उपांग मुलुस्का जदि कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा तैयारी तबे आर्थ्रोपोडा कौथरी तैयारी पिले राइट आंसर हूँ ऑप्शन सी काइटिन। ओके नेक्स्ट प्रश्न स्पाइरोगाइरा थालोफाइटा फर्न कौन हम सार स्पाइरोगाइरा हूँ थालोफाइटा कैटेगोरी तो फर्नटा कौन हम नग्नबीजी टेरिडोफाइटा आवृतबीजी ब्रायोफाइटा तो कौ कैटेगोरी बिलंग कर फर्न कौटा हम पाने पे राइट आंसर हूँ टेरिडोफाइटा। ओके तो फर्न हूँ टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट प्रश्न एस्कारिस अंकुशकृमी विकेरिया एस्कारिस अंकुशकृमी विकेरिया कौन हम एक नली देही चेप्टाकृमी गोद्रकृमी ना गोलकृमी कौटा हम युकेरिया फिल्म राइट आंसर हूँ ऑप्शन सी अर्थात गोद्रकृमी तो युकेरिया हूँ गोटे प्रकार गोद्रकृमी अटे। नेक्स्ट डोलियोलस हूँ यूरोकोडाटा आम्फियोक्सास यूरोकोडाटा सेफ्लोकोडाटा हेमिकोडाटा मामालिया तो आम्फियोक्सास कौन हम गोटे प्रकार शीघ्र शीघ्र कमेंट कर पाने पे राइट आंसर हूँ ऑप्शन बी सेफालोकोडाटा। नेक्स्ट प्रश्न फेल्स हूँ प्रजाति टाइग्रिस श्रेणी ना वंश ना जाति ना वर्ग कौटा हम पे राइट आंसर फेलिस हूँ प्रजाति टाइग्रिस कौन हम पाने पे राइट आंसर हूँ ऑप्शन सी जाति तो टाइग्रिस हूँ गोटे जाति। ओके नेक्स्ट देख प्लांटी हूँ स्वयंपृष्ठ लाइकेन स्वयंपृष्ठ परजीवी मृतजीवी ना सहजीविता बहुत सरल प्रश्न अटे पे मैंने पे मैंने राइट आंसर हूँ ऑप्शन बी कौन आस परजीवी आसो तो लाइकेन हूँ एक प्रकार कौन अटे ना परजीवी अटे बुझिपाल। नेक्स्ट देख सतम प्रश्न निम्नस्थ क्यों जोड़ाटी ठीक अटे निमाटो हेल्मिंथेस प्लानारिया प्लाटी हेल्मिंथेस हाइड्रा आर्थ्रोपोडा हूँ ऑक्टोपस यूरोकोडाटा हूँ डोलियम डोलियोकम तो अभी तो कौ जोड़ाटा ठीक अटे कमेंट कर कौटा हम राइट आंसर पे राइट आंसर हूँ ऑप्शन डी यूरोकोडाटा हूँ डोलियोकम यहाँ हूँ ठीक है बाकी जाक भूल। नेक्स्ट आदिम मेरुदंडी प्राणी क्यों मान को कहुए आदिम मेरुदंडी प्राणी साइक्लोसोमाटा गाइसेस आम्फिबिया रेप्टिलिया ता भितर क्या आम कह आदिम मेरुदंडी प्राणी पे राइट आंसर हूँ साइक्लोसोमाटा। ओके नेक्स्ट प्रश्न केउटी एक आदि स्तन्यपायी जीव कंगारु प्लाटिन प्लाटिपस गाई मनुष्य आ भितर कौटा आदि स्तन्यपायी जीव अटे पे राइट आंसर हूँ ऑप्शन बी प्लाटिपस तो प्लाटिपस हूँ एक प्रकार आद्य स्तन्यपायी जीव अटे। नेक्स्ट निम्नस्थ क्यों जीव गाली फुसफुस और चर्म द्वारा शस्क्रिया करें टर्पेडो साप माछ आ बेंग आ भितर किए
गाल द्वारा मत फुसफुस द्वारा मत चर्म द्वारा श्वासक्रिया करें। पे जे करपे सी छोटो थिला छोटो रथ जो लार्भा अवस्था थाए गाल द्वारा श्वासक्रिया करे जिते मानने भूपुष्ठ रही है सी फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करे माटी तले जिते सी सुई रुहे से चर्म द्वारा श्वासक्रिया करे। तो आंसर कौन हम ना आंसर हम ऑप्शन डी बेंग हम। ओके तो ये प्रकार पे आम टोटल 20 एम सी क्यू सर जहाँकि तुम फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 देन समेटिव असेसमेंट 1 एंड 2 ये सब जगह एग्जाम में बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो यथाशीघ्र वीडियो को शेयर कर अन्य मानक जनाओ अन्य मानक क्लास कराओ। ओके जदि वीडियो भल लगे तो निश्चित रूप लाइक कर सेयर तो करता सहित सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।